प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए जहां एक और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयार हो चुकी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी रुककर कोप भवन में चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे संवैधानिक समारोह कहकर यहां जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अब जब मोदी जी ने यहां पर पोल किलिंग में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों को बुलाया, इसके बाद ममता दीदी की ममता अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बरसने लगी और उन्होंने इस समारोह में जाने से इनकार कर दिया। यूं तो नहीं कि अहंकारी ममता दीदी उन परिवारजनों से नजरें नहीं मिला पा रही है जिनके स्वजन इस हिंसा में मारे गए थे, या यूं कहें कि वहां पर हत्याएं तो हुई है और इससे शायद ममता दीदी के हावड़ा ब्रिज से भी बड़े अहंकार को ठेस पहुंच सकती थी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर ममता बनर्जी इस समारोह में नहीं जा रही तो आखिर वो करेगी क्या? जी, वो अपना फेवरेट काम यानी धरना प्रदर्शन करने वाली है। जी हाँ, ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाली है। वैसे सोचने वाली बात है कि एक मिल का मजदूर अपने मालिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता है, सरकारी अफसर भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो खुद उस स्टेट की सीएम है वो किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है? अरे भाई, आप सीएम हो, आपके पास उस स्टेट की डिसीजन लेने की सभी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? या यूं कहें कि ममता बनर्जी के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन कर रही है। खैर, दीदी की लीला अपरंपार है, या यूं कहें कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी थोड़ी सी बौखला उठी है। कहीं इन बेसलेस धरना प्रदर्शनों की सीख ममता बनर्जी केजरीवाल से तो नहीं ले रही? खैर, बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस वैसे तो किसी भी चीज़ से इतने जल्दी सबक नहीं सीखती, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का समारोह में न जाने के फैसले को लेकर पता नहीं कांग्रेस ने क्या सबक लिया कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी वहां जाने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं कि क्या रहा इन्होंने पकड़ी है और कहां तक जाता है इनका ये सफर। देखते रहिए हमारे साथ अखबार जगत। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत।